ओके अच्छा, अभी हम लोग मतलब अगर आपको वो जो पिछले सेशन में हमने देख लिया कि आप थर्ड पार्टी कंट्रोल को यूज़ करते हुए क्या फंक्शनैलिटी ले सकते हो, अभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मास्टर पेजेस और चाइल्ड पेजेस, और उसी के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि AGX कैसे इम्प्लीमेंट होती है और हम जो क्लाइंट साइड पे कंट्रोल होते हैं उनको सर्वर साइड कंट्रोल कैसे बनाते हैं। ओके अब मैं एक मास्टर पेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है मास्टर पेज, ये वेब फॉर्म्स मास्टर पेज साइट वन डॉट मास्टर, ओके किया, ये आपका मास्टर पेज आ गया। अब इसमें आपके पास बिल्कुल नॉर्मल वेब फॉर्म की तरह ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप एक तो मास्टर पेज को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हो, यानी इस पेज को डायरेक्ट व्यू इन ब्राउजर आप नहीं कर सकते। सेकंड, इसमें आप हेड में देखो एक आ रहा है कंटेंट प्लेस ऑर्डर और ये चाइल्ड वाला एक कंटेंट प्लेस ऑर्डर आ रहा है, यानी ये वो पोर्शन है कि जब आपने चाइल्ड पेज बनाओगे जो इस मास्टर पेज को यूज करेगा, जो काम होगा चाइल्ड में हम इसके अंदर करेंगे चाइल्ड पेज में, और अगर मास्टर पेज में रहते हुए यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जब चाइल्ड क्लाइंट चाइल्ड पेज लोड होता है तो जो चाइल्ड पेज में यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं वो शो हो रही होती हैं मास्टर पेज वाली नहीं, मास्टर पेज की जो चीज़ें हम यहाँ इस प्लेस ऑर्डर से बाहर लिखेंगे सिर्फ वो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कि मास्टर पेज में जो काम करोगे वो प्लेस ऑर्डर से बाहर करना है और चाइल्ड पेज पे जाके जो काम करोगे वो प्लेस ऑर्डर के अंदर करोगे। अभी मैं यहाँ एक मेन्यू ऐड करता हूँ, ठीक है, मास्टर पेज के डिज़ाइन पे आते हैं, ये अभी प्लेस ऑर्डर के अंदर है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेन्यू ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल मेन्यू ऐड किया, डिज़ाइन पे गए, एडिट फॉर्मेट पे हम चले जाते हैं, फॉर्मेट आपके पास मतलब इसमें तो आपको इस तरह के मिलेंगे, ओके, उसकी अलाइनमेंट होगी यहाँ पे हॉरिजेंटल या वर्टिकल, इसको हॉरिजेंटल कर लेते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन वर्टिकल आ रही है इसको हमने हॉरिजेंटल कर लिया, और इसमें आइटम ऐड करने हैं, एडिट मेन्यू आइटम, इसमें हम ऐड कर लेते हैं न्यू आइटम, इसमें लिख देते हैं जी होम, नेविगेट यूआरएल के अगर किसी फर्दर पेज पे मूव करना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क का नंबर साइन का मतलब होता है कि किसी पेज पे मूव नहीं कर रहे हो आप, वरना आप किसी पेज का नाम भी लिख सकते हो। एक और पेज ऐड करते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब मास्टर पेज हम यूज़ किस लिए करते हैं, जितने हम कंटेंट पेजेस बनाते जाएं, अब मेन्यू तो हमें हर पेज पे चाहिए, अब अगर हमारे पास 10 फॉर्म वेब फॉर्म है सिंपल वेब फॉर्म है तो हमें 10 पेजेस पे ये मेन्यूज क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर एक पेज पे मेन्यू में हम फॉर एग्जाम्पल होम की जगह हमें क्लाइंट कहता है यार होम रिमूव कर दो, इसकी जगह अबाउट अस डाल दो, तो हमें 10 के 10 पेजेस में जाके उसको चेंज करना है। मास्टर पेज का एडवांटेज ये है कि बस एक ही जगह पे आप इसको लिखोगे, ठीक है, मेन्यू एक ही पेज पे बना दिया, अब चेंज करना है एक ही जगह चेंज करोगे, अगर 50 पेजेस में भी रेफरेंस यूज हो रहा है तो 50 के 50 पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने मेन्यू यहाँ बनाया, अब मैं एक पेज बनाता हूँ, ठीक है, वो कंटेंट पेज होगा, वो सिंपल वेब फॉर्म नहीं होगा, वो होगा वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेजेस, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आपके पास वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, जैसे आप इसको ओके करोगे वो पूछेगा मास्टर पेज कौन सा यूज करूँ, मल्टीपल मास्टर पेजेस हैं तो यहाँ नजर आ रहे होंगे, आप एक पेज सेलेक्ट करोगे ओके कर दोगे। अब ये देखो, अब ये सिंपल HTML वाला पेज नहीं आया, इसमें वही आपके पास आ रहे हैं दो प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर है जिसकी आईडी हेड है, यानी वो हेड वाला पोर्शन, क्योंकि अगर स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट आप लगाना चाह रहे हो जो कि सिर्फ इस पेज पे इम्प्लीमेंट हो वो आप यहाँ पे लगाओगे, और जो कंटेंट का पोर्शन है वो सारे का सारा आप यहाँ पे लिखोगे, इट्स माई होम पेज, यानी इसमें जो मर्जी है आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कोड जिस तरह नॉर्मल करते हैं, ग्रिड बनाना है वो बनाओ, जो काम करना है इस पे कर सकते हो। अब मैं एक और पेज बनाता हूँ, एड वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज विद मास्टर पेज, ये टू बना लिया,
ये भी इसी पेज को यूज करेगा, दिस इज माय कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने मेन्यू बनाए थे, मेन्यू बनाया था हमने यहाँ, और इसका हमने जो उसके नेविगेट यूआरएल था वो सब में, दोनों में हैश साइन दे दिया था। अब इसमें मैं नेविगेट यूआरएल चेंज कर देता हूँ, वेब फॉर्म 1.aspx, और यहाँ पे वेब फॉर्म 2.aspx, ठीक है। अब मैं इस पेज को तो व्यू इन ब्राउजर कर नहीं सकता, तो मैं जो वेब पेजेस हैं, जो क्लाइंट चाइल्ड पेजेस होते हैं, कंटेंट पेजेस होते हैं, एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है, कंटेंट पेज बोलो, चाइल्ड पेज बोलो। अब ये मैं आपको ब्राउजर की स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये अभी आपका पेज लोड हो रहा है, ठीक है। अब ये होम बाय डिफॉल्ट ये वाला पेज ओपन किया ना, वेब फॉर्म वन, इट्स माय होम पेज आ रहा है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, ये देखो दिस इज माय कॉन्टेक्ट पेज, वेब पेज फॉर्म पेज टू पे चला गया, ठीक है। फिर वापस किया, ये वेब फॉर्म वन, वेब फॉर्म टू, क्लियर हुआ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मास्टर पेज चाइल्ड पेज बनाना भी बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसमें अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज है कि आप चाहते हो कि सिनेरियो टू सिनेरियो ने डिपेंड करता है कि मतलब आपका मतलब रिक्वायरमेंट है कि एक मिनट आप बना रहे हो मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी का सिस्टम, अब एक लॉगिन स्क्रीन होगी जिससे स्टूडेंट लॉगिन होगा, लॉगिन स्क्रीन होगी वहीं से टीचर भी लॉगिन होगा। तो अब आप चाह रहे हो कि जब टीचर लॉगिन हो पेज वही हो लेकिन मेन्यू जो चेंज हो जाए, और अगर स्टूडेंट लॉगिन हो तो मेन्यू डिफरेंट नजर आना चाहिए। अब एक तो ऑप्शन है कि आप मल्टीपल दो मास्टर पेजेस बनाओ, चाइल्ड मल्टीपल चाइल्ड पेजेस बनाओ, अब जब स्टूडेंट के लिए अलग पेजेस हो, टीचर के लिए अलग पेजेस हो, यू नो डुप्लीसिटी हो जाएगी। सेकंड, एक आपके पास ऑप्शन बचती है कि आप उससे एक ही चीज बनाओ, ठीक है, और उस पर हम रन टाइम पे लॉगिन सिनेरियो पे चेक कर लें कि अगर टीचर लॉगिन हो रहा है हम सेशन क्रिएट करेंगे, उसमें रोल रख लेंगे, एक सेशन रोल में अगर वो स्टूडेंट आ रहा है तो मेन्यू ये दिखाओ या मास्टर पेज ये वाला दिखा दो, और अगर टीचर लॉगिन होकर आ रहा है तो मास्टर पेज ये वाला दिखा दो। कंटेंट पेज वही रहेगा, मास्टर पेज चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन समझ आया सर? एक बार रिपीट सर, रिपीट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये चीज है कि आप बना रहे हो स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का सिस्टम, अब एक पेज है आपका कोर्स का, ठीक है, जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं। अब जब स्टूडेंट ने लॉगिन होना होता है तो भी कोर्सेज की लिस्ट नज़र आनी होती है, जब टीचर ने लॉगिन होना तो भी नज़र आनी है। अब फ़र्क ये होता है कि जब टीचर लॉगिन होगा वो उस कोर्स के अगेंस्ट जाके कोई लेक्चर ऐड कर सकता है, क्विज ऐड कर सकता है, असाइनमेंट ऐड कर सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो उस कोर्स के अगेंस्ट अपने या असाइनमेंट व्यू कर सकता है जो उसको नहीं मिली है, नया क्विज आया वो व्यू कर सकता है, लेक्चर व्यू कर सकता है। पेज एक ही है, फंक्शनैलिटी डिफरेंट है स्टूडेंट के लिए टीचर के लिए। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट का मास्टर पेज अलग हो, टीचर का मास्टर पेज अलग हो, लेकिन जो चाइल्ड पेज है वो एक ही है, जब स्टूडेंट लॉग इन करे तो मास्टर पेज स्टूडेंट वाला यूज हो जाए उस कॉन्टेंट पेज के साथ, लेकिन अगर टीचर लॉग इन करेगा तो उस वेब पेज के साथ, ठीक है, टीचर वाला मास्टर पेज लिंक हो जाए। तो यानी इसे हम रन टाइम पे मास्टर पेज चेंज करना कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, अब उसको चेंज करने के लिए अच्छा, अब ये कोड वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको? वीडियो स्टूडियो नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। ओके, अब मैं एक मास्टर पेज बनाने लगा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास साइट 1.master पड़ा हुआ है, मैं एक और मास्टर पेज बना देता हूँ, तो फिर हम लोग रन टाइम पे मास्टर पेज चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये साइट 2.master है, और मैं इस पे भी यही वाला मेन्यू कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे नाम थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, होम टीचर कॉन्टेक्ट्स टीचर, ठीक हो गया। और एक सिंपल वेब फॉर्म बनाता हूँ, सिंपल वेब फॉर्म जिसपे दो बटन बनाऊंगा, FRM टेस्ट मास्टर पेज। अब इसमें मैं दो बटन बनाऊंगा, एक स्टूडेंट का एक टीचर का। जब स्टूडेंट क्लिक होके जाए तो स्टूडेंट वाला मास्टर पेज अटैच हो, और अगर टीचर का बटन प्रेस होके जाए तो टीचर वाला मास्टर पेज ऐड हो। स्टूडेंट और टीचर, अब मैं स्टूडेंट पे डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेशन क्रिएट कर लेता हूँ। सेशन रोल इज इक्वल टू स्टूडेंट, और टीचर पे क्लिक करने पे यहाँ पे टीचर, और देन रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वेब फॉर्म 1.aspx। ठीक है, अब अज्यूम करो कि जो मास्टर पेज साइट 1.master है वो स्टूडेंट का है, साइट 2.master टीचर का है। तो अब जो हमारा ऑलरेडी वेब फॉर्म 1 है उसके साथ मास्टर पेज कौन सा लगा हुआ है, साइट 1, ऐसे ही है ना। सो गया सर, यस सर। अच्छा ठीक है, अब मैं ये रिस्पांस जो रीडायरेक्ट इस पे भी लगा देता हूँ। अच्छा, अब जो मास्टर पेज चेंज करना होता है, मैं वेब फॉर्म 1 पे पहले चेंज करता हूँ। लेकिन इसके कोड में जाके हमारे पास जैसे भी पेज लोड आ रहा है ना, इसी तरह प्री इनिट होता है, प्री इनिट हम उस पर हम चेंज करते हैं। ठीक है, पेज जो मास्टर पेज, पेज लोड लेवल पे चेंज नहीं हो सकता, ताकि उस वक्त तक पेज आपका क्रिएट हो चुका होता है। तो जो प्री इनिशियलाइजेशन होती है, प्री इनिट, ठीक है, इस मेथड के अंदर हम लोग मास्टर पेज चेंज करते हैं। तो उसका सिंपल हल क्या है, अब यहाँ एक तो मैं पहले रोल बेस पे चेक करूँगा, इफ सेशन रोल सबसे पहले तो हम चेक करते हैं वो नल तो नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, यानी कि सेशन प्रॉपर क्रिएट हुआ है, नॉट इक्वल टू नल। फिर हम चेक कर लेंगे इफ सेशन सेशन रोल इज इक्वल डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो दिस डॉट पेज डॉट मास्टर पेज फाइल इज इक्वल टू, अब यहां पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर उस मास्टर पेज का नाम दे देते हो, लेकिन उसके साथ ये साथ लगाओगे आप। ठीक है, साइट 1.master, और एल्स में अगर वो स्टूडेंट नहीं है, इट मीन्स टीचर हो गया, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे साइट 2.master। समझ आ गया पॉइंट, सिर्फ ये लाइन लिखी प्री इनिट के अंदर, प्री इनिट जो मेथड है प्री इनिशियलाइजेशन, इसमें दिस डॉट पेज डॉट मास्टर पेज फाइल इज इक्वल टू, ठीक है, ये आप साइन डालते हो, और साइट 1.master। अब हम इसको, ये जो हमारा टेस्ट पेज था इसको रन करके देख लेते हैं। व्यू इन ब्राउजर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट टीचर आ गया हमारा जो वेब, अब मैं स्टूडेंट से क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हमारा वही पेज आ रहा है जो नॉर्मल था। ठीक है, दिस इज ये होम, होम वाला है, टीचर वाला नहीं आ रहा। वापस आता हूँ, अब टीचर पे क्लिक करता हूँ, होम टीचर कॉन्टेक्ट टीचर आ गया, पेज वही है वेब फॉर्म 1।
ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मेन्यू चेंज हो गया, यानी मास्टर पेज रन टाइम पे चेंज हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन? सर मास्टर पेज एक भी एक काम नहीं सर? नहीं, अब एक मास्टर पेज है ना, तो फिर तो उस केस में चीज कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो दिखाता हूँ। अब अगर मास्टर पेज एक ही है ना, तो फिर आपको इसी मास्टर पेज पे दो मेन्यू बनाने हैं, ठीक है? एक मेन्यू बना और दूसरा मेन्यू बना, तो वही अब सेशन के बेस पे मेन्यू वन डॉट विजिबल जो है वो ट्रू कर सकते हो, मेन्यू टू को फॉल्स कर दो, मेन्यू फिर जब स्टूडेंट लॉग इन हुआ तो मेन्यू वन को फॉल्स कर दो, टू को ट्रू कर दो, तो वो भी काम कर सकते हो। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे होते हो ना, तो उसे एक मास्टर पेज पे इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है कि मल्टीपल कंट्रोल रख के विजिबल टू फॉल्स नहीं करते, बल्कि आप दो मल्टीपल मास्टर पेजेस बना लेते हो और मल्टीपल कंटेंट पेजेस के ऊपर उन्हीं को यूज करते जाते हो, ठीक है? मास्टर पेज के बगैर भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ना कंट्रोल एक पेज पे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर उसकी विजिबिलिटी ट्रू फॉल्स करने में कम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसी मास्टर पेज को यूज करते हुए एक चीज ऐड करता हूँ, यानी AGX कैसे इंप्लीमेंट होती है। अभी देखो, अब जो रेड ग्रिड मैंने बताया सिंपल विजिट था, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का काम है, वो इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च सब कुछ कर दिया, यानी थर्ड पार्टी कंट्रोल के थ्रू। मास्टर पेजेस हमने सिर्फ मास्टर पेज ऐड किया, काम प्लेस होल्डर के बाहर किया, चाइल्ड पेज पे जाके काम प्लेस होल्डर के अंदर किया, सिंपल ये चीज़ थी, मतलब हार्डली 5-7 मिनट का ये काम है, मतलब इसको कम्प्लेक्सिटी में नहीं लेना, बिल्कुल ईजी वे में समझना है, बिल्कुल ये सिंपल सा काम है। अच्छा, अब AGX उससे भी ज़्यादा आसान है। अब मैं इसके डिज़ाइन पे जाता हूँ, ठीक है? अब ये प्लेस होल्डर के अंदर ही काम कराएगा मुझसे जो भी, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और एक बटन ऐड किया, ठीक हो गया। अब बटन के क्लिक में ये जस्ट मैं अब AGX एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ड। अच्छा, आप में से किसी को पता है AGX होती क्या है, किस लिए यूज करते हैं? यस सर। क्या होती है सर? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने का। मकसद क्या होता है यूज करने का, एडवांटेज क्या मिलता है, फायदा क्या होता है इससे? सर API यूज कर सकते हैं और नहीं अगर रन टाइम पे, मतलब सर लाइव टाइम तक कम्युनिकेट करना तो हम AGX का यूज। बिल्कुल भी नहीं। और कोई? देखो AGX का प्राइमरी मकसद ये नहीं है, मैं दिखाता हूँ। अब ये मैंने किया ना कि टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, फिर बटन पे क्लिक करो, टेक्स्ट बॉक्स में हेलो वर्ल्ड लिखा। AGX की बात कर रहे हैं ना? AGX की बात कर रहा हूँ, AGX। तो सर इससे हम यही कहते हैं ना कि मतलब डायरेक्टली अगर कम्युनिकेट करना हो सर्वर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। जब आपके कहते हैं किसी चीज पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसी चीज को वो अपडेट करेगा, पूरे पेज को रीलोड नहीं करता। एग्जैक्टली ये वाला आंसर है इसका, ठीक है? ये आंसर है। मैं एक मिनट इस पेज को व्यू इन ब्राउजर करता हूँ, मैं आपको साथ बता भी दूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। अच्छा, ये देखो, अब आपने ना गौर करना, ये जो URL के ऊपर जो आइकन नहीं आ रहा, लोकल होस्ट लिखा हुआ है जिसपे, जिसके साथ ये दुनिया का आइकन बना हुआ है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, बटन लिखने की जरूरत नहीं भी थी, बटन क्लिक करता हूँ, वो ऊपर रिफ्रेश होता है, ठीक है, फ्लिकर होता है, चेक करो रिफ्रेश हो रहा है ना, ठीक है, पेज पोस्ट बैक होता है। अगर आपका कम्प्लेक्स पेज है, एक बहुत बड़ा पेज है जिसमें आपके लोडिंग होती है, उसमें पेज काफ़ी टाइम लेता है, वो एकदम से पेज पूरा ब्लैंक होता है, फिर नया पेज आता है, ठीक है? ये नॉर्मल जब एक पेज हैवी होता है तो इसी तरह होता है कि पेज बिल्कुल आपका पूरा पूरा एक दफ़ा वाइट ब्लैंक होकर फिर सामने आता है। तो AGX क्या करती है कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता, उसी पेज पर रहते हुए जस्ट उसी पोर्शन को अपडेट कर देगी। यानी अभी मैंने बटन क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स में डाटा दिखाना ना, तो कोई कंट्रोल या कोई चीज़ दोबारा से लोड नहीं होगी, सारी की सारी चीज़ें वहीं पड़ी रहेंगी, सिर्फ वो टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हेलो वर्ड लिखना है सिर्फ वो अपडेट होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगी, ना ये ऊपर से रिफ्रेश का बटन चेंज होगा, ना छोटा सा फ्लिकर भी नहीं होगा, ठीक है? वो मैं बताता हूँ उसको AGX में कैसे आप ऐड करते हो।
यानी जो लास्ट में आंसर जिसने दिया था वो एग्जैक्ट आंसर था। ठीक है, मैं वापस आता हूँ वीडियो स्टूडियो में। अच्छा, उसके लिए अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे हम आए, यानी आपने तमाम कंट्रोल जिन पे AJAX इंप्लीमेंट करना चाहते हो, एक तो मैं सबसे पहले यहाँ स्केप मैनेजर ऐड करूंगा, ठीक है, और उसके बाद अपडेट पैनल, ठीक है, अपडेट पैनल, ये ठीक है AJAX एक्सटेंशन के अंदर अपडेट पैनल है, इस पर क्लिक किया, ये आ गया अपडेट पैनल, ये सारा काम आप उठाओ, ठीक है, यानी जिस जिस पे एक्चुअली चाह रहे हो आपको इम्प्लीमेंट हो, हम तो चाह रहे पूरे पेज पे हो, तो मैंने सारी चीज़ उठा के अपडेट पैनल के अंदर रख दी, ठीक है। अब इसको व्यू इन ब्राउजर करते हैं, ठीक है, पेज लोड हो गया। अब आप लोग यहाँ नोटिस करना, ये लोकल होस्ट है, पहले ये एकदम से ना चेंज रिफ्रेश सा होता था, अब मैंने क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, पूरे पेज में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? AJAX समझ आ गई सबको कैसे इंप्लीमेंट होती है? सिंपल स्क्रीन मैनेजर ऐड करना है और अपडेट पैनल ऐड करना है, बस अपडेट पैनल के अंदर सारा काम करोगे AJAX इंप्लीमेंट होगी। ओके, ठीक है, अब देख लो बिल्कुल सिंपल था, AJAX इंप्लीमेंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें एकदम से फीलिंग आती है AJAX इंप्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट में, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है, बस ये काम है सिंपली। अच्छा, अब एक और चीज देखो, अब ये लिखा आ रहा है इट्स माय होम पेज, ठीक है, अब एक तो हम ये चाह रहे हैं जब टीचर लॉग इन हो इस लेबल की जगह कुछ और लिखा है, स्टूडेंट आए तो कुछ और लिखा है, एक तो ऑप्शन हम लेबल बना लें, ठीक है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो है मैं इसकी जगह चाहता हूँ कि मैं एक लेबल डाल दूँ, ठीक है, अब लेबल तुम्हारा सर्वर साइड कंट्रोल है, ये लेबल हमारा सर्वर साइड कंट्रोल लेबल वन, तो इसके मैं कोड में हैंड में गया और इसी बेस पे मैंने ये वाली चीज कॉपी की, पेस्ट की, रोल की बेस पे मैं यहाँ करता हूँ लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है, ये सिंपल एक तरीका है कि हम लेबल के थ्रू से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि टीचर लॉग इन है, टीचर आए, स्टूडेंट लिखा, लॉग इन हो रहा है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, लेकिन सम टाइम आपके होते हैं जैसे आपके जब आप स्टाइल शीट्स वगैरह यूज करते हैं, कम्प्लेक्स पेजेस होते हैं, तो आपके HTML कंट्रोल होते हैं, यानी कि जैसे कि ये तो मैंने लेबल ऐड किया, अब जो आपके HTML होता है ना वो ये होता है, P के अंदर मैंने लिख दिया स्टूडेंट, अब मैं देखें अब ई क्यों कि आपने जब स्टाइल शीट यूज करते हैं, जब आपके रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होते हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करते हो, तो वो आपकी इनके लेबल्स ज़रा पे नहीं अप्लाई हो रही होती ना, वो हो रही होती है इसके पी पे, H1, H2, H3 इन पे वो चीज लगी हुई होती है, अगर आप लेबल यूज कर लेते हो तो आपका स्टाइल खराब हो जाता है पेज का, तो एक खाली वो एक लेबल जो है वो डिफरेंट सा नजर आ रहा होता है, तो आप चाहते हो यार जो स्टाइल शीट में इम्प्लीमेंट हुआ ना स्टूडेंट, मैं इसी को यूज करूँ ताकि मेरा वही स्टाइल वही रहे और मैं जो फंक्शनैलिटी यूज करना चाह रहा हूँ लेबल वाली वही कर सकूँ, तो इस क्लाइंट साइड कंट्रोल को हमने सर्वर साइड कंट्रोल बनाना होता है, ठीक है, ये अभी इस वक्त क्लाइंट साइड कंट्रोल है, इसको सर्वर साइड बनाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे इसको आईडी दोगे, आईडी मैं इसका नाम कुछ भी देता हूँ, इसको मैं लेबल टू कह देता हूँ, ठीक है, और रन एट सर्वर, बस ये लिखने से ये जो है सर्वर साइड कंट्रोल बन गया, सिर्फ ये लिखने से ये सर्वर साइड कंट्रोल बन गया, जब तक ये नहीं था तो मैं पी को कोड बिहाइंड में एक्सेस नहीं कर सकता था, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, लेबल टू आ रहा नजर डॉट, अब यहां पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहां पे होगी इनर HTML या इनर टेक्स्ट,
इनर एचटीएमएल उस केस में कि अगर आप फर्दर उस पर स्टाइल कुछ लगा के बोल्ड वगैरह करके दिखाना चाह रहे हो तो इनर एचटीएमएल, लेकिन अगर आप देखोगे खाली मैंने टेक्स्ट ही दिखाना है तो इनर टेक्स्ट लगा लोगे। लाइक मैं इनर एचटीएमएल करता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे एचटीएमएल टैग लगा रहा हूँ फर्दर, ठीक है। ये मैंने वो जो हमारा क्लाइंट से कंट्रोल है जिसको मैंने सर्वर साइड बनाया ये मैंने उसको यूज कर लिया, समझे कि आप क्लाइंट साइड कंट्रोल को सर्वर साइड कैसे बनाते हो, उसको एक आईडी दे देते हो और रन एट सर्वर लिखना जरूरी है। तो ये जो आपका कंट्रोल है ये अब आपका कोड बिहाइंड में एक्सेस होता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया, ठीक है। मतलब बहुत आसान है कि आप उसको क्लाइंट साइड कंट्रोल को, अगर मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ या पेपर वाला मतलब जो एवेल्युएशन वाला क्वेश्चन वगैरह मैं करता हूँ कि जी क्लाइंट साइड को कंट्रोल को सर्वर साइड कैसे बनाएंगे, तो आप बता सकते हो जी जो भी क्लाइंट साइड कंट्रोल है चाहे वो पी है, एच वन, एच टू, इमेज, एंकर टैब, कुछ भी जो भी कंट्रोल है जो जिस एंगल ब्रैकेट से शुरू होता है जो एचटीएमएल टैग है उसके अंदर आईडी दे दो और रन एट सर्वर कर दो तो वो आपका सर्वर साइड कंट्रोल बन जाता है। डन हो गया? ठीक है, यानी हमारी अब AGX भी इम्प्लीमेंट होगी, हमारा मास्टर चाइल्ड पेज भी हो गया, हमारा सर्वर साइड जो क्लाइंट साइड कंट्रोल है वो सर्वर साइड भी बन गया, और अब अच्छा हमने वेब सर्विस इम्प्लीमेंट की है? नहीं, नो सर, वो इन सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है, चीज का मतलब बहुत उसका एडवांटेज है। जैसे देखो हमने रेड ग्रिड जो यूज किया था मतलब इतनी कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी हमने सिंपल एक विजर्ड के अंदर दे दी, इसी तरह मास्टर पे जब चेंज करना था रन टाइम पे, ठीक है, एकदम से माइंड में आता है यार कितना कम्प्लेक्स कोड होगा, सिंपल प्री इनिट के अंदर हमने ये एक लाइन का कोड लिखा, मास्टर पेज रन टाइम पे चेंज हो गया। AGX इंप्लीमेंट करनी है सुनने में लगता है मुश्किल काम होगा, सिंपल एक स्क्रीन मैनेजर ऐड किया, अपडेट पैनल ऐड किया और तमाम जो हमारे कंट्रोल्स हैं अपडेट पैनल के अंदर रख दिए, AGX इंप्लीमेंट होगी। क्लाइंट साइड को सर्वर साइड कंट्रोल बनाना है, सिंपल हमने आईडी उसको दे दी और रन एट सर्वर कर दिया, क्लाइंट साइड हमारा सर्वर साइड बन गया। तो अब जो वेब सर्विस है अब वो कितनी आसान है ये देखो, ये नजर आ रही है ना स्क्रीन विजुअल स्टूडियो वाली? ओके, ये दो तीन स्टूडेंट के अलावा कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, सबकी एब्सेंट लगाऊंगा मैं, और अभी मेरे पास रिजल्ट फाइनल रिजल्ट शीट भी आई हुई है, मेरे मार्क्स भी लगाने हैं, तो जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा अब वेब सर्विस में आने जा रहा हूँ, बल्कि एक मिनट, वेब सर्विस में आने से पहले ये तो देखिए जो लोग आप लोग बैठे हुए हो स्क्रीन के सामने सोए हुए हो कि बैठे हुए देख भी रहे हो, अभी एक मिनट, अभी पूछते हैं क्वेश्चन आगे पार्टिसिपेंट्स ये हैं। अच्छा सानिया आपको आवाज आ रही है? यस सर। ये सानिया यस सर मैं लड़का कहाँ से बोल पड़ा? नहीं सर उसने मैसेज किए, तो मैसेज तो कोई और भी कर सकता है उसकी जगह बैठा हुआ, कोई बहन भाई छोटा बैठा हुआ वो यस सर कर रहा है। सानिया आपको आवाज आ रही है? बोल के बताना। बोल के बताना है। अच्छा माइक का इशू है, वाओ। अच्छा चलो एक चीज इसी चैट में आंसर करो, अगर हम जो क्लाइंट साइड कंट्रोल है उसमें रन एट सर्वर नहीं लिखते तो क्या वो कोड वो कंट्रोल कोड बिहाइंड में एक्सेस होगा कि नहीं? सानिया ये आपने आंसर करना है कि अगर मैं क्लाइंट साइड कंट्रोल में रन एट सर्वर नहीं लिखता तो वो कोड बिहाइंड में एक्सेस होगा या नहीं होगा? लगता है कीबोर्ड का इशू भी आ गया, एब्सेंट लग जाएगी इसका आंसर ना दिया आपने तो। सोचने दो, ये बहन भी साथ बैठा हुआ जगा रहा होगा कि सानिया उठ के बताओ इसका आंसर क्या। अभी तक आंसर नहीं आया, मैंने चार दफा रिपीट किया इसका आंसर। इसका ये मतलब है बैठ के सो रहे हो, ठीक है, मार्किंग ऐसी लगेगी, मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं किसी और से आंसर पूछता हूँ,
ठीक है, आपकी एब्सेंट लगी सानिया। अच्छा हलीमा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। गुड, इसका आंसर क्या है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है? सर मेरा लेट कनेक्ट हुआ है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। देखिए ये सारे सोए भी अभी जागे हैं क्वेश्चन पूछने पे। नो सर, सर मेरा लेट कनेक्ट हुआ है, इंटरनेट का इशू था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो कहाँ से आपने लेक्चर अटेंड करना शुरू किया? सर मैंने ये वाले जो है ना ये 10 मिनट बात की और बीच में बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था। मतलब क्या उसे कोई क्वेश्चन पूछूं ही ना, ये मतलब है इसका? नो सर, सर इसके बाद पूछ लेना। चले अभी ठीक चल रहा है। अच्छा ममून इकबाल, ममून इकबाल आपको आवाज आ रही है? ये जो लोग नहीं बोल रहे मैं उनके एब्सेंट लगाऊंगा। ममून इकबाल, एब्सेंट। अच्छा और ये ममून इकबाल को बता भी दीजिएगा मैसेज करके, क्योंकि पूरे सेशन के एब्सेंट है और ये बच्चे मार्क्स पे भी इफेक्ट करेगी। अच्छा इकरा मुस्तफा, आवाज आ रही है आपको? इकरा मुस्तफा को आवाज आ रही है? बहुत अच्छा तरीका है, मतलब जूम में लॉगिन करके सो जो। अच्छा उसके बाद सादुल हसन, सादुल हसन को आवाज आ रही है? ओके एक काम करते हैं ना, अब अटेंडेंस ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये अटेंडेंस आप लोगों ने बोलनी है। ठीक है यस सर, ये सही है। और साथ में चैट में मुझे मैसेज भी लिखना है, ताकि ये ना हो कि किसी की जगह कोई और दूसरा बोल रहा हो। चैट में मुझे उसका बंदे ने यस भी करना है और बोल के यस भी करना है। ठीक है, ये मैं अपने सामने शीट पे अटेंडेंस लगाने लगा और मुझे आज फाइनल रिजल्ट भी सबमिट करना है। ठीक है, अभी मैं उस पर ये चीज़ आपकी इफेक्ट करेगी, बहुत बैडली इफेक्ट करेगी। अच्छा सबसे पहले रफाकत अली 1871, मैसेज में भी सेंड करो और बोलो भी। यस सर, मैसेज में भी लिखो। एक तो ये क्या कांडो बंदा है, कसम से। ठीक है जी, रफाकत अली की प्रेजेंट होगी। अबू बकर, यस सर प्रेजेंट। अबू बकर 1841 प्रेजेंट, मैसेज में भी टाइप करो साथ में फौरन। अबू बकर मैसेज में टाइप नहीं हुआ अभी तक। मैं एब्सेंट लगाने लगा हूँ अबू बकर आपकी। ओके बच गए हो। शहरोज जफर 1885, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन लगाता जाऊंगा, आप अगर फौरन से नहीं बोल रहे तो। ये जो माइक वाले हैं ना, ये डाउटफुल है, माइक में इशू है। अच्छा एहतिशामुल हक 1882, यस सर मैसेज में भी टाइप करो। खराब आवाज आ रही है? हाँ अब आ गया। अच्छा फहद कयूम, प्रेजेंट सर। फैजान, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट फैजान। ये मैसेज भी साथ टाइप कर दो, जिसने मैसेज में ना लिखा होगा मैं ऑप्शन लगा दूंगा। यस सर। फारूख मलक अवान, फारूख प्रेजेंट। ओके हलीमा, प्रेजेंट सर। हारिस महमूद, प्रेजेंट सर। मैसेज में भी टाइप करते हैं जो साथ था, जिसका मैसेज में नहीं होगा मैं ऑप्शन लगा दूंगा। हसनात अली, हसनात अली बोल के भी बताओ हसनात।
उसने आज नहीं लेने गया होगा घर, कोई और बैठा हुआ बहन भाई प्रेजेंट लगा रहा है। सर मोहम्मद शेरोज प्रेजेंट, माइक की आवाज आ रही है सर अब? जी जी बिल्कुल आ गया। उसमें अब सर यूएसबी पोर्ट चेंज किया तो उस वजह से पहले नहीं था। ओके वजाहत अली खान बोलेगा भी सर। कौन बोला? सर मैं ही बोल रहा हूँ वजाहत अली खान। वो की बात है सर, स्टैंप पे लिख दो। वीडियो ऑन कराऊं? सर करवा ले, वीडियो ऑन करवा ले सर। ओके बाकी होंगे अभी थोड़ी देर बाद, तक अब सब जाग गए होंगे ना, आधे घंटे बाद फिर लूंगा ना, फिर कुछ कुछ सो चुके होंगे। ओके ओके मार्क्स भी तो काटूँ आप लोगों के। अच्छा अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना, चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग अगला स्टेप वेब सर्विस था, हमारा सेशन भी 1:45 पे एंड होने वाला। ओके 1 मिनट के अंदर ही हमारा वेब सर्विस भी हो सकता है। अभी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे हो ना सारे? सर जी सर ये ऑनलाइन क्लास का लिंक तो भेज दिया करें। मतलब ये सर आपने पिछली सर ये इसमें मतलब हम साथ प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे होते ना सर, वो एक बीच में नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सर मतलब, बाद में अगर देखना हो मतलब वीडियो का लिंक ना? यस सर वीडियो ये अभी क्लास एंड होगी ना, इमेज एड ये तीनों मैं अपने यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और LMS पे भी अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग सेव करनी होती है ना, फिर रिकॉर्डिंग मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलता किस सेशन की है। जस्ट मैं इसलिए दोबारा सेंड करता हूं कि जो रिकॉर्डिंग हर सेशन के अलग सेव करता है वो ढूंढना आसान होती है। यस सर ठीक है। ओके सर मैं लिंक सेंड करता हूं। ओके ओके सर।